बताने वाला हूँ हाउ टू ऐड सीएसएस। आप अपने वेब प्रोजेक्ट में कैसे सीएसएस को ऐड कर सकते हो, आप वेब पेज में अपने एचटीएमएल के पेज में किस तरीके से आप सीएसएस यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारे को दिए हुए देयर आर थ्री वे टू इंसर्टिंग ए स्टाइल सीन। तो एक तो हमारा जो फर्स्ट होता है वो होता है इंटरनल एक्सटर्नल सीएसएस, और ये इंटरनल सीएसएस सेकंड एंड थर्ड होता है आपका इनलाइन सीएसएस। तो आप थोड़ा इनके बारे में थोड़ा थोड़ा कंटेंट आप देख लीजिए। जैसे एक्सटर्नल सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस हमारा होता है क्या बेटा, एक्सटर्नल स्टाइल सीट। यू कैन चेंज द लुक ऑफ एंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग द जस्ट वन फाइल। जैसे आप कोई पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल लिंक बना के आप एक फाइल बनाते हो, उसमें आप सीएसएस लिख देते हो पूरा, टेक्स्ट वगैरह भी सारे। वो सीएसएस को क्या करना है, आपको बस सिंपल इंसर्ट करना है एक वेब पेज में, मल्टीपल वेब पेजेस में। क्या करेंगे, वो ऑटोमेटिक आपके डिजाइन को चेंज कर देंगे फुली। आपका इंटरनल सीएसएस, इंटरनल सीएसएस क्या होता है ना, इंटरनल स्टाइल सीट मे बी यूज इन इफ वन सिंगल एचटीएमएल पेज हैज ए यूनिक स्टाइल। आपको जैसे कोई स्टाइल टैग आप लिख के उसमें अपना यूनिक सीएसएस लिख रहे हो आप इस पर्टिकुलर टैग या क्लास वगैरह से, तो वो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इंटरनल स्टाइल इज डिफाइंड इन साइड द स्टाइल एलिमेंट। देखो यहाँ पे ये बोल भी रहा है स्टाइल एलिमेंट के अंदर आप इन साइड द हेड सेक्शन, आप हेड सेक्शन में एक स्टाइल टैग लगा के आप अपनी सीएसएस को लिख सकते हो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस क्या होता है, इनलाइन सीएसएस थोड़ा डिफरेंट होता है। इनलाइन सीएसएस स्टाइल में भी यूज अप्लाई ए यूनिक स्टाइल फॉर द सिंगल एलिमेंट। आप किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर एक स्टाइल लगा के स्टाइल एट्रीब्यूट यूज करके आप अपनी सीएसएस जैसे उस पर सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मैं फर्स्ट आपको बताता हूँ कि एक्सटर्नल सीएसएस किस तरीके से लिंक होती है आपके से। तो एक्सटर्नल सीएसएस हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे मैंने ये पेज बना रखा है, इस पेज में सिंपल यहाँ से मैं अभी हटा देता हूँ। तो इसमें जैसे लिंक हमारा होता है एक लिंक टैग, और लिंक टैग के थ्रू यहाँ पे देखो ये आ गया ना स्टाइल सीएसएस। इसमें जो एच आर एफ एट्रीब्यूट होता है उसमें हमारा सी एस एस का पाथ देना पड़ता है। मैंने एक ऑलरेडी यहाँ पे एक सी एस एस की फाइल बना रखी है इस एड फोल्डर के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस नाम से। तो मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा, इस एड के अंदर स्टाइल डॉट सी एस एस, ये आपकी क्या हो गई सी एस एस फाइल लिंक हो गई इसमें से आपके पेज डॉट एच टी एम एल। अब इस सी एस एस में क्या मैंने लिख रखा है, देखो देखिए, एक तो मैंने यूनिवर्सल यूनिवर्सल सेलेक्टर ले रखा है, उसमें मैंने टेस्ट अलाइन सेंटर कर रखा है, और आपका पी एंड एच टू पे आपको कलर व्हाइट कर रखा है और बैकग्राउंड ब्लैक। और यहीं पे हम एक और चीज ले लेते हैं पेडिंग, मैंने लेता हूँ उसका पेडिंग 10 पिक्सल की, तो ये दोनों पे अप्लाई हो जाएगी। अभी क्या हो रहा है कि हमारे ये टैग इन दोनों टैग्स पे वो क्या करेगी, सी एस एस हमने यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल एक फाइल में हमने यहाँ पे सी एस एस लिख रखी है, और वो इसमें क्या कर दिया हमने एक लिंक टैग के थ्रू वो फाइल हमने यहाँ पर लिंक कर दिया। अब जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ, देखिए रन करता हूँ, ये क्या करेगी ये पेज, जैसे ही मैंने रन किया इसमें ये ऊपर नीचे से चारों तरफ से इसमें पेडिंग दे दी और ये इस पर सी एस एस अप्लाई हो गई। हमने यूनिवर्सल टैग में क्या ले रखा था, इसमें देखो यूनिवर्सल में हमारा सेंटर है, सॉरी हमारे यूनिवर्सल टैग में क्या है सेंटर, और ये व्हाइट एंड ब्लैक, कलर व्हाइट है, बैकग्राउंड ब्लैक है, और पेडिंग 10 पिक्सल। एस थ्री हमारा कोई टैग इस पेज में यूज हम नहीं कर रहे, तो हमारा एस थ्री हम यहाँ पे यूज ही नहीं किया है, तो हमारा क्या हो रहा है एस थ्री का भी कोई सी एस एस अप्लाई नहीं हुआ। हम एस थ्री अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो वाइट डिफॉल्ट वो ये सी एस एस उस पर कलर रेड ऑलरेडी अप्लाई हो जाएगा। तो ये था हमारा एक्सटर्नल सी एस एस लिंक करने का तरीका। अभी जैसे मैंने क्या बोला था कि आप मल्टीपल पेज पे अपनी एक सी एस एस फाइल में अपनी सी एस एस अप्लाई कर सकते हो मल्टीपल वेब पेज, तो मैं अब क्या करूँगा इसको जस्ट कॉपी करूँगा, यहाँ से कॉपी करके एक पेज डैश डॉट पी एच पी एक पेज बनाया हुआ है और इसमें मैं अप्लाई करूँगा। ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिंक कर रखा था, बट मैं दोबारा कॉपी कर देता हूँ इसी को, ये वाली मैंने जस्ट सिंक कर रखा है ये वाली। अब इसमें मैंने एस थ्री टैग ले रखा है, टैग का मैंने कुछ सी एस एस लिख रखी है, इसका भी मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ, मैं बैकग्राउंड कर देता हूँ ग्रीन ग्रीन,
मैंने इसे जस्ट ग्रीन कर दिया, और इसकी भी पेडिंग में कर देता हूँ, आपका पेडिंग कर देता हूँ 20 पिक्सल। आप देखिए इसमें जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट पेज ओपन करूंगा, तो ऑलरेडी जो सीएसएस है वो आपकी क्या हो जाएगी, इस पर अप्लाई हो जाएगी। देखो जस्ट मैंने जैसे किया, बैकग्राउंड ग्रीन आ गया और आपकी पेडिंग भी आ गई इसके साथ, और ये कलर भी रेड हो गया। तो ये होता है हमारा एक्सटर्नल सीएसएस। इस तरीके से हमारा एक्सटर्नल सीएसएस लिंक होता है।